नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आप कृपया उनको एक बार पढ़ लीजिए। इसके अलावा मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है, फेक कमेंट से आप सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि आज मार्केट का सेंटीमेंट वीक रहने की संभावना है, और यहाँ पे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर मेरा व्यू इसके विपरीत होगा तो मैं कम्युनिटी टैब पे अपडेट कर दूंगा, लेकिन मेरा व्यू मार्केट में डेटा पॉइंट्स के साथ था तो इसलिए मैंने कोई भी अपडेट नहीं शेयर किया। तो मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, मार्केट ओपन तो ग्रीन जोन में हुई लेकिन उसके बाद मार्केट एक बार नीचे आई, फिर कुछ समय तक फ्लैट जोन में ट्रेड करती रही, लेकिन फाइनली बड़े प्लेयर्स मार्केट को अपनी दिशा में ले जाने में कामयाब हुए। तो मार्केट ने मनी फ्लो एनालिसिस को फॉलो किया, इसके अलावा मार्केट ने वेडनेसडे रूल को भी फॉलो किया। वेडनेसडे रूल के हिसाब से क्लाइंट्स का मनी फ्लो जो था कल वो पॉजिटिव था, तो वहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका मनी फ्लो नेगेटिव था। तो बेसिकली एक्सपायरी वाले दिन जो है मार्केट को क्लाइंट्स के मनी फ्लो के विपरीत जाना था ताकि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे पैसा कमा सकें, तो मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया। कुछ समय तक फ्लैट जोन में ट्रेड होने के बाद मार्केट रेड जोन के अंदर स्लिप कर गई और यहाँ पे आप मार्केट में एक गिरावट देख सकते हैं। तो मार्केट ने आज मनी फ्लो के रूल्स को भी फॉलो किया, वो थोड़ी देर बाद किया, वेडनेसडे रूल को भी फॉलो किया लेकिन थोड़ी देर बाद किया, लेकिन फॉलो ज़रूर किया। तो दोस्तों, यहाँ पे वेडनेसडे रूल क्या होता है फिर कुछ लोग अगर सवाल पूछेंगे तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे कैश सेगमेंट की बात करें, FIIs जो कि यहाँ पे मार्केट में कुछ समय से एक्टिव थे, आज उनका ओपिनियन या जिसको कह लीजिए उनकी एक्टिविटी न्यूट्रल थी। DIIs ने भी कुछ खास एक्टिविटी नहीं करी कैश के अंदर, तो बेसिकली आज कैश जो है मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो हमें D2C रेशो से भी पता लग रहा है। यहाँ पे आज डेरिवेटिव्स जो है मार्केट को कंट्रोल कर रहा था, वो एक्सपायरी का बेसिकली इंपैक्ट था। अगर हम यहाँ पे मनी फ्लो की बात करें तो मनी फ्लो, कैश का मनी फ्लो यहाँ पे आज न्यूट्रल था। अगर आप केवल मनी फ्लो को कैलकुलेट करते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स के अंदर हैवी वेट्स में TCS बजाज फाइनेंस था, और नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स के अंदर ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस थे। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल मनी फ्लो होता है उसको मैं यहाँ पे ऑरेंज से मार्क कर देता हूँ। तो दोस्तों, आज जो हमारा स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर है वो वापस रेड जोन के अंदर आ गया, तो हमने बिल्कुल इस बार इसका टॉप कैच किया। तो आप 30 मई का वीडियो जाके देख सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको अपना वोट बताया था कि मार्केट में वीकनेस रह सकती है। तो काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि क्या मनी फ्लो की सहायता से टॉप और बॉटम फाइंड आउट किया जा सकता है। मे बी नॉट 100% टाइम्स, बट 10 में से 7-8 बार आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दो बार ये रेड जोन में आ चुका है, तो बेसिकली स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर रेड जोन में शिफ्ट कर गया है। तो अगर हम यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन चेन की बात करें तो इस एक्सपायरी का तो ख़त्म हो गई है, तो अगली एक्सपायरी या उससे अगली एक्सपायरी के बेसिस के ऊपर जो पोजीशंस यहाँ पे बन रही हैं या जो मनी फ्लो का सेटअप बन रहा है उसके हिसाब से आज FIIs जो हैं वो उनका मनी फ्लो नेगेटिव है। फ्यूचर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे आज शॉर्ट पोजीशंस बननी शुरू हो गई, लगभग 11,800 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई। DIIs ने अपनी कुछ पोजीशंस क्लोज करी, बेसिकली इनकी जो पोजीशंस होती हैं वो हेजिंग वाली पोजीशंस होती हैं, तो मार्केट जब ऊपर जा रही होती है तो ये हेजिंग के लिए पोजीशंस बनाते हैं, और मार्केट जब नीचे आ रही होती है तो ये अपनी हेजिंग वाली पोजीशंस क्लोज करते हैं। क्लाइंट साइड पे कोई खास एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, प्रॉप डेस्क पे भी कोई खास एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, लेकिन FIIs ने यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली, लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें कल भी देखने को मिली थी, लेकिन आज यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस भी बनी है जो कि कल और आज में अंतर है। तो बेसिकली नेट मनी फ्लो नेगेटिव था, लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा है। तो जब पोजीशंस क्लोज की जाती हैं हम उसको न्यूट्रल संकेत मानते हैं, लेकिन FIIs का जो लेखा जोखा है उसके अंदर आज यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनी। 18,550 इसका एक एवरेज प्राइस था, तो ये पोजीशंस इस समय प्रॉफिट में है। फ्यूचर्स की अगर बात करें, मार्केट नीचे गई और इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा
किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम समरी के तौर पे देखें तो कैश का मनी फ्लो जो था वो न्यूट्रल था, और जो आपका ऑप्शन चेन है उसका मनी फ्लो जो है वीकनेस की तरफ नेगेटिव था। फ्यूचर्स का जो मनी फ्लो है उसको हम न्यूट्रल विद वीकनेस बायस मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस क्लोज की गई हैं। फ्यूचर्स का जो ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो वीकनेस का संकेत है। स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर आज आपका रेड जोन में स्लिप कर गया, तो बेसिकली जो मेजॉरिटी डेटा पॉइंट्स हैं वो वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। FIIs की अगर बात की जाए, कैश के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं, ऑप्शंस के अंदर मनी फ्लो नेगेटिव है, फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजिशंस क्रिएट की गई, तो बेसिकली FIIs का ओपिनियन भी मार्केट के प्रति एक शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखा जाए तो वो भी वीकनेस की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो दोस्तों डेटा पॉइंट्स भी वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, FIIs का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। अगर मेरा वोट इसके विपरीत होगा तो मैं कम्युनिटी टैब पे शेयर कर दूंगा, अगर वहां पे मैं कुछ भी शेयर नहीं करता तो इसका मतलब मैं डेटा पॉइंट्स के साथ ही जाना पसंद करूंगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है चैनल मेंबर्स का तो वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरीज पूछ सकता है, मैं उसको 24 घंटे के अंदर जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूंगा। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाए। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों एक जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जो कल का वीडियो है, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, तो इसीलिए जो कल का वीडियो है, फ्राइडे का जो वीडियो है, वो मैं सैटरडे सुबह या आफ्टरनून में शेयर करूंगा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे मार्केट सेंटिमेंट के अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।